बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन 16 में से 14 संस्कार कराए जाते हैं। यह एक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ऐसे ही अगर किसी जातक के विवाह संस्कार में कोई परेशानी आ रही है तो माता सरस्वती का मात्र एक उपाय करने से समाधान हो सकता है। इसके लिए आपको 108 मनकों वाली बादाम की माला, आदमकद प्रतिमा वाली माँ सरस्वती की मूर्ति को सच्चे मन से समर्पित करनी पड़ेगी, जिसमें सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और चट मंगनी पट विवाह के योग बनेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा। विवाह संस्कार के लिए होने वाले इस उपाय को लेकर सरस्वती मंदिर के पुजारी पंडित यशोवर्धन चौबे ने पूरी जानकारी दी। सुनिए। देखिए क्या है कि बादाम की माला जो है वह सौनक कल्प नाम की संहिता में दी गई है। जैसे दुर्गा सप्तती में दुर्गा जी का वर्णन किया जाता है, अम कम टम शम दिजाग्र दिजाग्र त्रोटय त्रोटय दीप्त कुरु स्वाहा, ऐसे ही सरस्वती जी की विशेष कृपा या उनका आशीष प्राप्त करने के लिए बादाम का जो फल है उसकी भी 108 की माला बनाई जाती है। और वह माँ सरस्वती की प्रतिमा जो होती है आदमकद, आधी बैठी हुई और आधी खड़ी हुई, उनके लिए पहनाई जाती है। यदि सरस्वती माँ खड़ी हुई है तो उनके लिए वह माला नहीं पहनाई जाएगी, केवल और केवल आदमकद अर्थात जो आधी बैठी हुई हैं और आधे शरीर से खड़ी हुई हैं, मतलब जिनके पैर के पंजे खड़े हुए हैं, ऐसी देवी जहाँ विराजमान है उनको पहनाएं। मेरा विशेष अनुरोध है कि यह मालाएं किसी भी रूप से किसी छाया चित्र पर अर्थात किसी फोटो पर या नामावली पर ना पहनाएं। जहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान है आदमकद प्रतिमा में, उनको विशेष रूप से समाहित करें। यह एक श्रद्धा का विषय है, किसी उपहास का विषय नहीं है। यह एक विश्वास का विषय है, किसी उपहास के रूप में समाहित ना करें। ध्यान रखें कि माँ सरस्वती को ही यह माला पहनाने के लिए समाहित कार्य किया जाता है, अन्य देवों के लिए नहीं कहा गया है। इसकी माला है वह विवाह संस्कार के लिए है। कई जातकों के विवाह में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, पता चला कि कुंडली नहीं मिल रही है, नाड़ी दोष हो रहा है, वर्ण व्यास हो रहा है, ग्रह मैत्री नहीं आ रही है, उनका पितृदोष है, उनका समानुभाव है, कई प्रकार की बातें आती हैं, तो उन सबका शमन करने के लिए समाधान रूप में वह बादाम की माला मातेश्वरी को विशेष रूप से निवेदन करके, और ऐसा भी नहीं कि वह माला आप ले जाकर केवल एक स्थान पर रख दें, नहीं, जिन आचार्य के पास आप जाते हैं उनसे जिस प्रकार से एक माता पिता से हम अपने मन की बात कहते हैं, वैसे उन आचार्य के सामने निवेदन करें कि मेरा यह विषय मखाने के रूप में है, मेरा यह बादाम के रूप में है, इस विषय को आप मातेश्वरी में निवेदित कराएं और इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करता हूं।